सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ प्ले स्टोर की बहुत ही खास ट्रिक्स, जो कि हिडन ट्रिक्स है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो जरा भी स्किप करोगे तो कुछ ट्रिक्स आप नहीं देख सकते हो। तो प्लीज़ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के एंड में, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सिंपली अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा। एक मिनट, 3 डॉट क्या? आपका प्ले स्टोर इस तरह से ऑप्शन इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पहली ट्रिक की बता दूँ कि पहली ट्रिक है, जैसे कि आपके बच्चे हो चाहे कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं कि वो कोई भी ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं बिना आपके परमिशन के, तो आप कैसे उस पर रोक ले, जैसे कि आप उस पर पासवर्ड डाल दें। तो पासवर्ड डालने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन देख रहे हो, आप सेटिंग्स पर क्लिक कर सकते हो। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो जनरल में नोटिफिकेशन, ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, ऑटो अपडेट ऐप्स, ऑटो प्ले वीडियोस, थीम, क्लियर लोकल, सर्च हिस्ट्री, गूगल प्ले प्रेफरेंस, यूज़र कंट्रोल में है पैरेंटल कंट्रोल। तो आपको यहाँ पर पैरेंटल कंट्रोल पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों पैरेंटल कंट्रोल पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो ये जो ऐप है इस पर आपको पिन मांगेगा, तो आपको यहीं से इस पर पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। आप डाल दीजिएगा 1, 2, 3 जो आपका मन करा वो डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो। और उसके बाद आपका आपके बच्चे हो चाहे वो कोई भी ऐप हो या चाहे गेम हो चाहे बुक्स हो म्यूजिक हो, वो बिना पासवर्ड के उसे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आपको बात बताते हैं दूसरी ट्रिक की तरफ। तो दूसरी ट्रिक कुछ इस तरह से वर्क करेगी। तो आपको क्या करना है दूसरी ट्रिक में कि आपके बच्चे जैसे कि कोई भी पेड गेम्स या मूवीज़ कुछ भी खरीदने लगते हैं, तो जैसे कि उसमें मनी मांगती है तो परचेस करना पड़ता है आपको। तो सिर्फ आप चाहते हैं कि आपके बच्चे परचेस ना करें, तो उसके लिए आपको भी इसके लिए भी एक सेटिंग है। तो उसके लिए आपको पहले सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ से वहीं पे यूज़र कंट्रोल में आना है। यूज़र कंट्रोल में पैरेंटल कंट्रोल, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन फॉर परचेस, आपको इस पर 3rd वाला ऑप्शन लेना है। इस पर आप फॉर ऑल परचेस थ्रू गूगल प्ले ऑन दिस डिवाइस एवरी 30 मिनट्स नेवर, आप यहाँ से बंद कर सकते हो। और तो और दोस्तों यहाँ से आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से यहाँ पासवर्ड डाल सकते हो, जिससे जो सिर्फ आप ही को पता रहेगा। आप ही परचेस करके कोई ऐप खरीद सकते हो, बाकी आपके बच्चे नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए बात करते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ। तो तीसरी ट्रिक है कि गूगल प्ले स्टोर को डार्क मोड में कैसे करें दोस्तों। तो गूगल प्ले स्टोर को डार्क मोड में करने के लिए आपको सिंपली अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो थीम का ऑप्शन है, आपको थीम पर क्लिक कर देना है। थीम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डार्क मोड आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं अपने चौथे ट्रिक की तरफ दोस्तों। तो चौथा ट्रिक ये है कि आप किसी भी वीडियो को या फिर किसी भी ऐप्स को या कोई भी म्यूजिक ऐप्स, वीडियोस, बुक्स जो आपको पसंद हो, आप उसे इंटरेस्टिंग लगे आपको और आप उस वक्त नहीं देख सकते हो, आप उसे बाद में देखना चाहते हो क्योंकि आपके पास डेटा नहीं रहता है कभी कभार, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा तो वो मैं आप लोग को बताऊँगा। जैसे कि आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो और आपके पास डेटा नहीं है, तो आप यहाँ से उसे विश लिस्ट कर सकते हो ताकि आप उसे बाद में डाउनलोड कर सको। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन 3 डॉट दिख रहा होगा। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो 3 ऑप्शन है, शेयर, रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट एंड फ्लैग एंड इनप्रायोरिटेड। तो आपको रिमूव फ्रॉम विश मतलब यहाँ से आप इसे कर सकते हो, ठीक है। मेरा तो पहले ही था, आप ऐड टू विश लिस्ट पर कर सकते हो इससे। अब आपको कहाँ जाकर ये ऐप मिलेगा आपको, तो आपको सिंपली अपना ये ओपन कर लेना है 3 डॉट। उसके बाद माई ऐप्स एंड गेम्स, नोटिफिकेशन, सब्सक्रिप्शन, विश लिस्ट, आपको विश लिस्ट पर क्लिक करना है। विश लिस्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये गेम यहाँ पे आ चुका है, आप यहाँ से इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने पाँचवें ट्रिक की तरफ। तो पाँचवा ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो पाँचवा ट्रिक है कि कैसे आप अपने सेटिंग्स में जाकर अपने अपडेट्स को कैसे रोके, मतलब ऑटो अपडेट्स जो होता है तो आपको कभी कभार अच्छा नहीं लगता कि ऑटो अपडेट्स नहीं होना चाहिए इसको, तो इसे कैसे रोके। तो उसके लिए आपको यहाँ देख सकते हो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जनरल में ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन, ऐप डाउनलोड प्रेफरेंस, ऑटो अपडेट ऐप्स। तो आपको यहाँ ऑटो अपडेट्स ऐप पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप ओवर एनी नेटवर्क चूज़ कर सकते हैं, मतलब चाहे वाईफाई हो, चाहे डेटा, चाहे कुछ भी हो,
आपको मोबाइल डेटा या फिर ओनली फॉर वाईफाई कर सकते हो, डोंट ऑटो अपडेट्स ऐप्स कर सकते हो, तो आप यहाँ से डोंट ऑटो अपडेट्स भी कर सकते हो ओवर ओनली ओनली वाईफाई से आपका ऑटो अपडेट्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप यहाँ से डोंट ऑटो अपडेट्स ऐप्स कर सकते हो, ठीक है। फिर डन कर देते हैं यहाँ से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और जो हमारे चैनल पे नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज़।